जो मल्टीलिंक बफर है हमारा, उसमें आप जैसे सिंगल बफर में आपने किया है, एक शेप फाइल की आपको लोड पड़ी जिसमें आपने पॉइंट के ऊपर एक बफर स्टार्ट किया था, और जिसमें आपने देखा कि जो 15 किलोमीटर के दायरे में हम देखना चाहते हैं कि उस पॉइंट का 15 किलोमीटर एटीएम जो मशीन्स हैं उनका 15 किलोमीटर तक वो कवर कर रही हैं, किस तरह से मेजरमेंट रही, वैसे ही आपको मल्टी रिंग बफर में भी काम करना है। उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग सर्कल हम तैयार कर लेते हैं, दो मेथड आपके रखते हैं उसमें, एक मैनुअल मेथड रहता है, एक आपका सॉफ्टवेयर का रहता है जो ऑटोमेटिक हम कहते हैं। मैनुअल मेथड में आपका क्या रहता है, मैनुअल में से रहेगा तो सॉफ्टवेयर में भी वो भी, पर उसमें आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जैसे अर्थक्वेक है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक में हमने देखा कि एपिसेंटर जो आपका है, एपिसेंटर पर लगभग 50 किलोमीटर का दायरा जो था वो प्रभावित सबसे ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद जो बाकी उससे 50 किलोमीटर के बाद जो 5 किलोमीटर का दायरा आगे आया वो उससे थोड़ा कम प्रभावित था, और 5 के बाद जो 2 किलोमीटर तक का दायरा रहा वो और कम प्रभावित था, और जो आगे 1 किलोमीटर का दायरा था वो और कम प्रभावित था। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पट्टियां बन रही हैं वो अलग अलग किलोमीटर में बन रही है, सिंगल एक जैसी पट्टी नहीं है, ठीक है। तो उसको तो हमने मैनुअली तैयार करना पड़ेगा। बात है हमारी दूसरी कि कई बार क्या होता है कि हर 5 किलोमीटर के बाद एक जैसी चीज़ें आपको मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप रोड पे चल रहे हो और रोड पे आप देखते हैं कि हर 5 किलोमीटर के बाद एक आपको पोल नजर आ रहा है, या आपको जो वैल्यू लिखी होती है गज जो मीटर ये लिखे होते हैं आपके कितना किलोमीटर आपका एरिया रह गया है, मील के पत्थर जो होते हैं वो लगे होते हैं, आप उतने ही दायरे में लगे होते हैं उतने ही डिस्टेंस पर, तो उसके लिए आप जो मल्टी रिंग बफर है ऑटोमेटिक यूज कर सकते हैं, क्यों आपने एक बार डाल दिया 5 किलोमीटर के दायरे पर वही चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी, तो आपने डाल दिया, हर 5 के बाद आपके सर्कल बनते चले जाएंगे या 10 किलोमीटर के बाद आपके सर्कल बनते चले जाएंगे। तो देखते हैं मल्टी रिंग बफर कैसे आपका क्या होता है। इसके लिए आपको वही आपको सबसे पहले लेयर में जाना है, ऐड लेयर करनी है और वेक्टर फाइल अपनी ओपन कर लेनी है, डिजिटाइज हरियाणा पेज में इसको तैयार कर रहा हूँ, सेफ फाइल हरियाणा की, हरियाणा की सेफ फाइल ओपन हो गई। अब आप दोबारे फिर जाएंगे और जो एटीएम मशीन हमने ली थी उसी एटीएम मशीन पे मैं दोबारा से इसको मल्टी रिंग भी तैयार कर रहा हूँ, फिर इसको लाइन पे भी हम करके देखेंगे एक बार कि कैसा लाइन पे आपका रहता है। तो यहाँ से वो एटीएम मशीन आप ले लेंगे, उनके जो पॉइंट्स हैं, तो ये एटीएम मशीन का आपका ऐड एंड क्लोज, ये एटीएम मशीन आ गई आपकी। और मल्टी रिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप रिप्रोजेक्ट कर लीजिए फाइल को, ये हर किसी में आपको कर लेंगे पहले कि प्रॉब्लम आए ही ना, रिप्रोजेक्ट लेयर, यहाँ पर एटीएम मशीन पे आप करना चाह रहे हैं एटीएम मशीन, यहाँ पर आप इसकी प्रोजेक्शन चेंज कर लीजिए 84 में ले आइए और इसको सेव कर दीजिए, सेव फाइल, और इसको मैं डाल रहा हूँ टेस्ट के अंदर ही, मल्टी के नाम से ही डाल रहा हूँ मल्टी बफर, सेव एंड रन, ये एक फाइल बन के आ गया आपकी मल्टी बफर से, क्लोज। अब आपको इस पे फिर जाना है और यहां पर बफर लिख देना है, ये देखिए ये मल्टी रिंग बफर आपका आ गया होगा, दिखाई दे रहा है मल्टी रिंग बफर, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर जो आपकी रिप्रोजेक्ट की थी उस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप कितने सर्कल उसके तैयार करना चाहते हैं, कितने रिंग बनाना चाहते हैं, 4, 5, 6 कितने तक, पर आपके सेम डिस्टेंस पर वो रहेंगे, तो आपको क्या करना है इस पर सर्कल बना लेने हैं कि मैं इस पर मान लीजिए बनाना चाहता हूँ 4 सर्कल बनाना चाहता हूँ तो 4 मैंने डाल दिया, 5 बनाना चाहते हैं 5 बना लीजिए, 3 बनाना चाहते हो 3 बना लीजिए, 2 बनाना चाहते हो 2 बना लीजिए, वो आपकी पर्पज करता है, ऑब्जेक्टिव आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड करेंगे। इसके बाद आपका इसको मीटर में कितने मीटर के आपके बढ़ने हैं, किलोमीटर, क्योंकि हरियाणा तो किलोमीटर में हम रख देते हैं इसको, तो यहाँ पर हर 5 किलोमीटर के बाद या 10 किलोमीटर के बाद मैं बनाना चाहता हूँ, हर 10 किलोमीटर के बाद मैं कर रहा हूँ, या मैं 5 किलोमीटर ले लेता हूँ या 15 ले लूँ, आपकी मर्जी है, जैसे मैं 10 ही डाल देता हूँ, 10 किलोमीटर के बाद एक सर्कल मेरा तैयार हो जाए, तो 10 किलोमीटर मैंने कर दिया और इसको सेव कर दीजिए, सेव फाइल, और सेव में आप टेक्स्ट में ही मैं डाल रहा हूँ मल्टी रिंग डाल दीजिए इसको, मल्टी रिंग बफर
सेव और रन क्लोज कर देना है। ये देखिए पूरा हरियाणा कवर हो गया हमारा, ये मल्टीलिंग है। हम देखते हैं कि हरियाणा तो कवर हो गया पर थोड़ा होच पोच हो गया, ये तो कुछ हमें दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं, हम थोड़ा कम कर लेते हैं डिस्टेंस। तो मल्टीलिंग को दोबारा से इसको हटा देते हैं, इसको रिमूव कर दीजिए और मल्टीलिंग दोबारा कर दीजिए। मल्टीलिंग बफरी है ना, तो इस पर आप कर लीजिए, मान लीजिए 4 में बढ़ा रहा हूँ और किलोमीटर में 5 किलोमीटर के दायरे में बना देते हैं। हर 5 किलोमीटर के बाद मैं बढ़ा रहा हूँ और इसको सेव कर देते हैं। मल्टी बफर कर देते हैं, क्लोज कर देना है। एक फाइल आपकी खुल गई होगी, इसको खोल ले जाइए और ये आप क्या आ गए होंगे सर, इसका कलर चेंज कर लीजिए, राइट क्लिक प्रॉपर्टी और यहाँ पर ऊपर जाएंगे, इस पर आप कैटेगराइज, यहाँ पर आएंगे क्योंकि डिस्टेंस पर आप बना रहे हैं तो डिस्टेंस पर क्लासिफाई और इसको अप्लाई। यह आपकी मल्टीलिंग बफर बढ़ती आ गई। पॉइंट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं पॉइंट का कलर चेंज कर दीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और इसका ब्लैक कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। नीचे का आप कलर चेंज करना चाहते हैं इसको कर लीजिए, इसको आप वाइट रख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको वाइट रख रहा हूँ, ये वाइट। तो इस तरह से आपका जो मल्टीलिंग था आपको तैयार करना है। ऐसे ही आपका अगर लाइन पे आप बनाना चाहते हैं तो लाइन पे आप तैयार कर सकते हैं, मल्टीलिंग हो गया। अब इसको वैसे हमने वेरीफाई करना है, जैसे सिंगल बफर में हमने तैयार किया था कि हमने मेजरमेंट की थी इसकी भाई ठीक भी है या नहीं है, हम वेरीफाई इसको कर सकते हैं। वैसे इसको जूम कर दीजिए आप किसी एक वैल्यू को, मान लीजिए हमने ये किया और ये मेजरमेंट टूल आपका लाइन मेजर करनी है, यहाँ पर किलोमीटर कर लीजिए पहले ही और इसके सेंटर पर आइए, यहाँ से पहले वाले सर्कल को देखिए कितना है, क्लिक करके 5 किलोमीटर, इसके बाद फिर चलते अगले पे 5 और 5 10 किलोमीटर, इसके बाद 15 किलोमीटर और ये क्या हो गया 20 किलोमीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा बिल्कुल सही बना हुआ है और इसकी जो मेजरमेंट है जो भी हमको चेक कर रहे थे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मल्टीलिंग आपका तैयार करना है। अब लाइन पे हम एक बार देख लेते हैं कि लाइन पे भी कैसा आपका बढ़ता है। इसको क्लोज कर देना है, सेट कर लेना है और इनको हटाना चाहे तो हटा सकते हो क्योंकि अनबीन की अवेलेबल लोड नहीं है, इसकी और इसकी तीन फाइल की नहीं है ना, तो रिमूव कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब वही सेफ फाइल हमने खोल ली यहाँ पर लाइन के लिए और एक लाइन बफर आप बनाना चाहते हो, लाइन सेफ फाइल आप अपने ऊपर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेयर में जाके वेक्टर लेयर में यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और हरियाणा के अंदर मेरी हेडक्वार्टर सेफ के नाम से चलो एक पॉइंट की है, नेशनल हाईवे के नाम से एक सेफ फाइल मिली है, सेफ फाइल देखिए ये आपकी सेफ फाइल है, ठीक है नेशनल हाईवे, इसको ओपन कर लेना है। ये देखिए कुछ आपकी लाइन्स आ गई हैं, ठीक है कलर चेंज कर लेंगे एक बार, इसका कलर कर लेते हैं रेड और विड्थ भी इनकी 0.5 कर देते हैं, थोड़ा मैं नजर आया अलग से। तो ये हमारी लाइन, ये यानी कि हाईवे है, नेशनल हाईवे है जितने भी हैं हमारे हरियाणा के अंदर वो हमने बताए हैं। अब हम वही आपको क्या करना है, इसको एक बार प्रोजेक्ट कीजिए, ये रिप्रोजेक्ट लेयर है और इसमें नेशनल हाईवे खुला हुआ है, इसमें यहाँ पर रिप्रोजेक्ट करके UTM-43 में कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। सेव हम फाइल कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं इसका लाइन बफर
एक फाइल बन के आपकी आ गई, क्लोज कर देते हैं। अब आपको इसको दोबारा से एक बार कर लीजिए, बार बार ये प्रोसेस से पीछे चला जाता है। यहाँ पर बफर लिखिए, बफर, और ये आपका सिंपल बनाना तो सिंपल बना सकते हैं, लाइन बनाना तो आपको लाइन भी बना सकते हैं। तो मल्टी रिंग में बना रहा हूँ सीधा इसको, तो मल्टी रिंग बफर इसका तैयार करते हैं। इसमें आपको जो आपने बनाई लाइन बफर ये आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसकी हम 4 इसकी भी 4 या 3 हम इसकी बना लेते हैं, जैसे 3 बना दिया हमने इसको, और यहाँ पे किलोमीटर डाल देते हैं किलोमीटर, और हर 3 किलोमीटर के बाद मैं दिखा रहा हूँ एक फाइल एक के अंदर बफर, और सेव कर देते हैं इस फाइल को। मल्टी लाइन बफर हम नाम से डाल रहे हैं इसको, सेव एंड रन, क्लोज कर देना है। आप देखेंगे आपकी एक फाइल बन गई है, और इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कलर इसमें दिखाई दे नहीं रहा फिलहाल, रेड कर देंगे इसको, अप्लाई एंड ओके। और ये बफर वाली जो हमारी मल्टी लाइन वाली, इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाके, और यहाँ से इसको कैटेगराइज कर लेना है, और यहाँ पर इसको डिस्टेंस ले लेना है, और क्लासीफाई करके इसको अप्लाई कर देना है, और क्लोज कर देना। इस तरह से आपका लाइन बफर तैयार हो जाएगा। इसको मेजर कर रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि 3 किलोमीटर ही है, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे इसको जूम कर लेंगे एक लाइन को, किसी भी लाइन को, और जूम करने के बाद यहाँ से मेजरमेंट टूल आप करेंगे, मेजर लाइन, यहाँ पर किलोमीटर है तो किलोमीटर ले लीजिए, यहाँ पर आप आइए लाइन बेस पे बिल्कुल सेंटर, और ये ध्यान रखना बिल्कुल 90 डिग्री आपका बनना चाहिए, तब आपका बिल्कुल सही आएगा। 90 डिग्री नहीं बना पाओगे एंगल यहाँ पर जो आपका बन रहा है ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो तब आपका यहाँ तक लेके आना है। आगे जाओगे ऐसे ही तो तब आपका ठीक आएगा। तो हमारा थोड़ा हो सकता है ये जैसे 90 डिग्री लगभग है, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर है, इससे आगे अगर हम चलते हैं तो ये आपका 6 हो जाएगा यहाँ पर, और इससे आगे चलते हैं तो 3 या 9 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो यह बिल्कुल आपका सही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारी मेजरमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको मल्टी रिंग बफर आपको तैयार करना है, और अलग अलग तरह से आप मल्टी रिंग बफर तैयार करके पॉइंट पे करें, लाइन पे करें, पॉलीगन पे आप कर सकते हैं, अलग अलग पर्पज होते हैं आपके, तो आप मल्टी रिंग बफर तैयार कर सकते हैं, ठीक है।